तो इन लोगों ने साइकिल चलाई, तनिष ने साइकिल चलाई लेकिन गिर गया थोड़ा सा। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माइनी ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। सुबह के 10:30 बजे अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, गाड़ी उधर रखी हुई है, और तनिष और लावण्या दो जने सो रहे हैं, हर्षु मुंह धोने गया है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, सिर्फ अभी खाना नहीं बनाया है। आज मैंने बनाई है सर दर्द के कारण काली चाय, ब्लैक टी। सर दर्द हो तो काली चाय पियो, आराम मिल जाएगा। और नीचे चल रहा है कुछ कार्यक्रम, हमारे पति देव लगे हैं अपना पंखा सेट करने के चक्कर में, अपना फैन। अब यहाँ पे रोशनी लगने लगी है, पहले अंदर अंदर लगता था तो अब रोशनी लगने लगी, अच्छा लगने लगा है। अरे हमारे हर्षु भैया के ऊपर ही आवाज आ रही है, कहाँ पे हर्षु भैया देखते हैं कहाँ ऊपर, ये वापस आएंगे नीचे में पहले। अरे जय, यहाँ पर रहेंगे पेड़ पौधों के बीच, मुंह धो रहा है। दो चलती रोशनी और सफाई रहने लगी, अच्छा लग रहा है। ये ब्लेंड हटाना है तो बच्चे चालू है हमारे बोरी काटने के लिए, कर रहे हैं। ये हमारे पास अभी घोड़ी है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं तो फिर हम पंखा कहाँ से टांगेंगे। इस वजह से ये पंखे को सेट करने के लिए अब ये पूरा कमरा साफ सुथरा अच्छा लगने लगा है। बाकी ये सब हटाएंगे हम अभी, अलमारी का बिल्कुल सफेद सफा चट यहाँ पे भी पूरा सही हो गया। पलंग पेटी बाहर जाने से पूरा कमरा खाली हो गया है, अच्छा लगने लगा है, आवाज़ गूंज रही है, पूरा हॉल लगने लगा है, अच्छा है। यहाँ सिलाई सिखाने मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि खाली कमरा रहेगा तो सिलाई अच्छे से सिखा सकते हैं, है ना। अच्छा चलते हैं ऊपर, खाना बना लेते हैं और फिर कहीं जाना है आज, देखो जा पाते हैं या नहीं जा पाते, और पूछ लेंगे पहले वो सिलाई वाली जो लड़कियाँ आती हैं, अगर वो जल्दी आ जाती हैं तो चलेंगे, नहीं अगर बंद रहा तो। बच्चे बहुत टाइम से कह रहे हैं जाने के लिए तो चलेंगे, नहीं तो घूम के तो आ ही जाएंगे अपन, है ना। धुल गए मुँह हमारा हर्षु भैया, बढ़िया है, उठेगा मुँह धोएगा नहाएगा पूजा पाठ करेंगे आज तुम्हें। इन लोगों को जान देते हैं, फिर देखते हैं आज का मौसम भी बहुत ठंडा ठंडा है, बस पानी नहीं गिरे। देखो गुलाब कितना खूबसूरत लग रहा है, अभी खिलेगा बहुत बढ़िया। जो सीढ़ी है उस पर थोड़ा और कुछ करना है हमें, पोताई या फिर कुछ थोड़ा सा वो कर लें, फिर गमलों को वहीं पहुँचाएंगे, बहुत अच्छे लग रहे थे वहाँ पे सीढ़ी पे। खाना बना के रेडी करती हूँ, उसके बाद आते हैं ब्लॉक में। आया कुछ कपड़े वाला, देखते हैं कौन सा कपड़े वाला क्या आया है, काम कर रहे थे अब छोड़ गए, देख के आते हैं। लेने मैंने कुछ विचार नहीं है लेकिन देख लेते हैं, मगर देखते हैं। ये मोबाइल चल रहा है यहाँ पे, ये क्या आएगा, मिक्सी है क्या आएगा, ये मिक्सी है, सही तो है यार, बज गई गिरते गिरते तो गिर गई। अभी मैंने हम लोग सही कर रहे थे, अंशु ने कर दी ब्रेक सही, वो के पापा ने भी सही करे वो नहीं हुए, अंशु ने भैया लावा निकली, अंशु भैया ने ब्रेक सही कर दिए के लिए। खाना वाना हो चुका था तो तुरंत जल्दी निकल लेते हैं, चल 5 जने हो गए वैसे अब हम लोग, ये दुकान पे गए चलते हैं, यहाँ पे अम्मा के कठा है कथा है वहाँ पहाड़ वाले मकान पे, और ये लोग घूमेंगे मंदिर जाएंगे, नया मंदिर बना वो देखेंगे, चलते हैं वहाँ पे अच्छा लगेगा, बहुत टाइम बाद जा रहे हैं। तो नदी भरा गए थोड़ी, भैया सूख रही थी, अच्छा है पानी की, अभी तो वो बंद करके रखे तो वो झरझरा जाए, गेट बंद करके रखे नहीं आ पाया, हाँ चल मैच पानी में चला जाए तो वहीं गई लग गई बहुत तेज। हाँ अम्मा के यहाँ जा रहे हैं बहुत टाइम बाद, पिछली बार गए थे आपको ब्लॉक में बताया था, और अभी अंशु और मैं और हर्षु हम पैदल हैं, बाकी लावण्या और कौन तनिष, लावण्या और तनिष साइकिल पे गई, आगे जाके रुक गई हैं, अभी चल भी नहीं ला, अपना इंतजार कर रही हैं। आ चुके हैं अम्मा के घर पर और अब चलते हैं, बच्चे लावण्य पहुंच चुके हैं, यहाँ चल रहा है ये पूर्व में माहौल लगा रहे हैं हम लोग, मैंने भी लगा लिया है, हम स्टेडियम साइड जा रहे हैं, लेकिन स्टेडियम अगर मैच चल रहा होगा तो हम तो बाहर रहेंगे, और ये लोग जा रहे हैं
उधर आगे मैं बताती हूँ आप लोगों को, उधर मंदिर तैयारी हो रही है बनने की, शायद कुछ बन भी गया है, देखती हूँ बाउंड्री। उधर मंदिर बन चुका है नया, अच्छा लग रहा है भैरव बाबा के मंदिर के आगे। और ये जा रहे हैं बच्चे, गणेश खुद ही बैठ गया, अब तनिष भी खुद ही बैठ के चलाने लगा, अच्छी अकेले ही, बस ज्यादा दूर नहीं जाओ पास में ही आओ। बुल्ला ये गिर रहा लड़का और साइकिल को गिर रहा है, क्या लग घटी है यार, खुद उचक जाए। उस पर क्या कहा चलाने की अच्छी जगह है, लेकिन इतने बदतमीज लोग हैं, कांच ही कांच करके रखा है हेलीपैड पे, अच्छे बच्चे साइकिल चला सकते थे, लेकिन क्या करें पूरे में कांच कांच इतना सारा, क्यों अंशु है ना, वही तो देखो कितना सारा कांच ही कांच फेंक के रखा है, ये सब हरा सफेद कांच ही कांच पड़ा है के बच्चे कांच ही कांच, कितने बड़े बड़े अरे बड़े बड़े कांच ही कांच पड़े। भैया दूर हो जाओ, ये तनिष भैया ताकत लगाते हुए और गिरे बच गए। यहाँ ले आए, हमने सोचा कि माँ अम्मा के यहाँ भी कुछ जो कार्यक्रम था सुहागनों का वो उसमें शामिल होके बच्चों को यहाँ पे चलवाएंगे साइकिल। और ये मेरी मेहंदी भी लग गई है, यहाँ प्रसाद रखा हुआ मेरे हाथ में, तो मेहंदी लगी हुई यहाँ पे आई। तनिष लावण ने अर्शु तीनों और अंशु सब जने घूमने लगे और साइकिल चला रहे, अंशु सीख रहे, अच्छा कोई बिठाना नहीं पड़ता, वो खुद ही बैठ जाते हैं और चक भी जाते हैं। तो ये हाँ वो देखो ऐसे अब सही हो गया भाई, ढरक नहीं रहती है घाटी, हाँ ऐसे ही आ गई थोड़ी थोड़ी हुआ बेटा, यहाँ नहीं चल पा रही सड़क खराब है, तो तू कहाँ जब उठो, अच्छे वाले नहीं चला पा रहे तो तुम कहाँ चलाएंगे, वो अरे तनिष भी दो बार गिर गए ऊपर से फिर रो रहे हैं, अब देखते हैं लास्ट तीसरी बार। देवांश अनमोल की क्रिकेट टीम और वहां भी चल रहा है मैच, चल रहे हैं घर पे, मेरी साड़ी भी खराब हो गई मेहंदी से, घर चलते हैं क्योंकि बहुत गीली लगी थी, और ये बच्चे वहीं पे खड़े हुए अम्मा के घर पे, तो इन लोगों ने साइकिल चलाई, तनिष ने साइकिल चलाई लेकिन गिर गया थोड़ा सा, तो चलते हैं अभी घर पे ही मिलेंगे। और यहाँ पे तनिष की चलाने के लिए यहाँ साइकिल में वो गड्ढे में, वो गड्ढे के साइड से गड्ढे आ रहे, वो चला रहा है यहाँ पे, रो रहा था ताकि मुझे साइकिल नहीं चलवाई इसलिए जहाँ पे लेके आना पड़ा, तो चला रहा है और अभी तनिष आ रहा है, हर सुगर में बैठे वो देखो, मैं सबसे ज्यादा ये वाला मजाक खाता हूँ, ये जल्दी आ जाओ, वो कहाँ जा रहा है, उसको डरा रहा है, क्या कर रहा है, मुंह देखो उसका, मुंह देखो आप फ्रेंड, मुंह देखिए, और वो देखो गड्ढे में से निकाल ली, बच गया। चलो अवन्य हर्षु को लेके निकल गई, जा रहे हैं फाइनली घर पर, अब पहुंचेंगे, ये भी आने वाले हैं ना, अंशु थक गए, दूर हो गई, बहुत देर हो गई, एक दुकान लेके जा रही हूँ, एक चीज ले ली, आ चुके हैं और अब ये लगा देते हैं, सबसे पहला काम पौधा पेड़ लगाना, पेड़ हो जाएगा, फूल का पेड़ बहुत अच्छा हो जाता है। मम्मी कनका का पेड़ लाई है, कनका का नहीं है फूल का है, अरे फूल का ये खाएंगे मोगरे जैसे कहीं का, हाँ बहुत घना पेड़ फूल उगता है, बहुत अच्छा खूबसूरत वाइट, रोज जैसा हाँ मोगरे जैसा, मतलब मोगरा वो एक ही जैसा लगता है, नाम नहीं मालूम इसका, नाम पूछेंगे कभी इनसे, इस टाइप की पत्तियाँ हैं कुछ इसकी, बड़ी बड़ी भी जैसी हैं, हाँ भीग जैसी बड़ी बड़ी हैं, अंशु को हम घर लगा कर ही आ रहे हैं, जे हमारी साथ जंग से दिख रही है हमारी चाची जी, नहीं बहुत सारे लगाए, धूप छाए में वो सब, तो अभी बना रही हूँ मैं खाना शाम का, और नीचे पंखा लगा दिया नीचे वाले कमरे में, या मैंने अभी खाने में दाल दोपहर में बनाई थी, और अभी बना रही हूँ मैं मुंगोड़ी की सब्जी, मुंगोड़ी बहुत अच्छी लगती है,
भंगोड़ी की सब्जी किस किस को अच्छी लगती है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और किस किस की यहाँ पे बनती है। हमारे यहाँ तो अधिकतर अब अच्छी लगती है तो बनाते हैं, और आज भंगोड़ी की सब्जी चावल दाल रखी हुई है, चावल भी हैं और रोटियाँ ये तैयार कर रहे हैं, और नीचे की भी तैयारी चलती जा रही है, साथ में नीचे वाले कमरे के लिए भी हम काम कर रहे हैं। ये वहीं पे लगे हुए हैं, पंखा लगाना, सफाई करना। अभी ये ट्यूबलाइट रखी हुई है, नीचे वाले कमरे में ट्यूबलाइट लगा रहे हैं, क्योंकि वो जो स्कूल है बड़ा वाला घोड़ी कहते हैं जिसे, फिर वो चला जाएगा तो ऊंचाई के लिए कुछ साधन नहीं रहेगा। ये कर रहे हैं होमवर्क लावण्या, यानी सरसों कर रहे थे, फिर कर्सिव राइटिंग कर रही है ना, तो ये कर्सिव राइटिंग कर रही है, लिख रही है, वो इन लोगों ने होमवर्क करके उधर बैठ गए। हो रही है, जल्दी जाऊँ नहीं तो चिक जाएगी। बना लेते हैं खाना, फिर आते हैं ब्लॉक में, क्या काम कर रहा है वो बताते हैं। ये पहले वाले पंखी टांग दी, बल्ब उस साइड टांग दिया, फिर लाइट लगा रहा है। तो ये खाना परस लिया है, मूंगोड़ी की सब्जी रोटी, हम लोग खा लेते हैं खाना, और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, गुड नाइट।